हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम देखने वाले ES6 में आज हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट मैप एंड वीक मैप। ठीक है, तो सबसे पहले मैप हम देखेंगे और ये ES6 में मैप अपग्रेडेबल मतलब मैप चीज़ें मैप नाम की चीज़ें क्यों आई है ES6 में, क्योंकि इसके पहले ES6 में मतलब ES6 के पहले इसके पहले ना ऑब्जेक्ट्स होते थे। मतलब ऑब्जेक्ट्स तो अभी भी है, बट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता था कि आप ना एक टाइप की वैल्यू ही स्टोर करते थे, सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कर पाते थे। तो इसीलिए मैप नाम की चीज़ें आई है और मैप नाम की चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ों को मतलब एनहांस कर दिया है, बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी टूल्स को, बहुत सारे डेटा टाइप्स को आप पुट कर सकते हो मैप के अंदर। ठीक है, और बहुत सारे डेटा कीज आप एज ए की आप यूज़ कर सकते हो डेटा टाइप को, तो वो ऑब्जेक्ट भी हो या फिर कोई और चीज़ भी हो तो आप मैप में यूज़ कर सकते हो, इसीलिए मैप आई है। ऑब्जेक्ट में क्या होता था कि आप स्ट्रिंग यूज़ करते थे, फिर सिंबल यूज़ करते थे, एज ए की आप ऐसा यूज़ करते थे, तो वो ओल्ड था मतलब ES6 के पहले, बट अभी भी यूज़ होता है एज ए ऑब्जेक्ट, अभी भी यूज़ होता है स्टिल पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, बट मैप थोड़ा एनहांस्ड है मतलब थोड़ा एडवांस वर्जन है। ठीक है, ES6 में ये नई निकली है जावास्क्रिप्ट मैप। ठीक है, और मतलब ऑब्जेक्ट्स मतलब ये भी चीज़ है कि मतलब उसमें एक्सेस अपन कर सकते, ऑब्जेक्ट में कैन बी आइटरेटेड बाय एक्सेसिंग इट्स कीज, मतलब उसके कीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं आइटरेट करके या नॉर्मली, बट मैप्स में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी हम एक्सेस कर सकते हैं उसके कीज़ को। ठीक है, ये एक नई बात है। तो एंड देन मैप में मतलब साइज़ प्रॉपर्टी का भी एक रोल है, बट ऑब्जेक्ट्स में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी, मैन्युअली हम करते थे पर्टिकुलर कीज़ के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, बट मैप में साइज़ प्रॉपर्टी का भी मतलब डिटरमाइन हम कर सकते हैं। और मैप मतलब मैप से थोड़ा एडिशन रिमूवल ये सब भी बहुत फ्रिक्वेंटली ईजी हो जाता है मैप्स में, बट ऑब्जेक्ट्स में ये सब चीज़ें थोड़ी दिक्कत आती थी, मतलब होती ही नहीं थी, मतलब एक परफॉर्म ही नहीं कर पाते थे हम ये सब चीज़ को, बट मैप में हम उस चीज़ को ऐड करना, किसी कीज़ को ऐड करना, रिमूव करना, ये सब चीज़ हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया और मैप क्या है वो मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट भी क्या था वो भी बता दिया। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट जाते कोड पे, VS कोड पे चलते हैं और डायरेक्ट हम कोड करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी फाइल बना कर रखा हूँ मैं यहाँ पर map.js, एंड देन उसे मैं ये सब लाइव सर्वर करके ब्राउज़र पे फायरफॉक्स पे करके मैंने कंसोल करके रख लिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो सबसे पहले मैप को क्रिएट करने का तरीका जो होता है वो आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि मतलब आप कौन सी यूज़ करो, वेयर यूज़ करो, लेट यूज़ करो, कुछ भी चीज़ यूज़ करो, कोई मैटर नहीं करती, मैंने बता दिया हूँ। तो मैं यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैप मेरे मैप का जो नाम रहेगा, मतलब यहाँ पर आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ठीक उसी तरह आप डिक्लेयर करोगे, आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट करके या वेरिएबल करके कोई भी चीज़। मैं कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैंने नाम दे दिया है map1, एंड देन यहाँ पर न्यू कीवर्ड आप लिखोगे, एंड देन आप कैप्स में मैप लिखोगे, मैप सिर्फ एम कैप्स रहेगा, एंड देन यहाँ पर पैरेंथिस और कंप्लीट, आपका मैप जो क्रिएशन है वो क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पर ये एम्प्टी मैप। ठीक है, तो ये एम्प्टी मैप है, मैं यहाँ पर बताऊँगा console.log और फिर इसके अंदर मैं मैप वन ये लिख कर आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखो मैप जीरो यहाँ पर बता रहा है, फिलहाल मैप के अंदर हमने कुछ पुट नहीं किया, कोई भी एलिमेंट नहीं डाले हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डाला, कोई भी कीज़ वैल्यूज़ कुछ नहीं डाले। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैप जीरो बता रहा है, मतलब मैप एम्प्टी है। ठीक है, तो उसके अंदर हम ना अभी क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, थोड़ा मैं इसको स्क्रोल कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर वापस कॉन्स्ट क्यों लिख रहा हूँ, मैप वन में डालता हूँ। हमारे मैप का नाम हमने क्या दिया था, मैप वन दिया था, मैप वन डॉट सेट करनी है आपको वैल्यू, तो आप सेट यूज़ करोगे, सेट का कीवर्ड सेट मेथड आप यूज़ करोगे, उसके अंदर मैं लिखूँगा कुछ एक बंदे का इन्फॉर्म, स्टूडेंट का इन्फॉर्म, स्टूडेंट लिख देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट लिख देता हूँ, और फिर एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया स्टूडेंट, एंड देन उसके अंदर हमने नेम दे दिया है, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम एलोन मस्क हम लेंगे। ठीक है, जो हमेशा की तरह हम बड़े लोगों का नाम लेते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लेंगे, और एज उसकी हम कर देंगे यहाँ पर 27। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा मैंने बताया था ऑब्जेक्ट में आप कोई और डेटा टाइप आप यूज़ नहीं कर सकते थे, बट हमारे मैप में बहुत सी चीज़ों का
उपयोग होता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स का उपयोग होता है, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दिया, क्या क्या डाल दिया, आई मीन इंटीजर डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पर कर चुका हूँ कंसोल, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसके अंदर एक एंट्री हमने किया है, और उस एंट्री के अंदर यहाँ पर हमने एक एक वेरिएबल डाला है, मतलब हमने एक ये पुट किया है, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पर क्या है, एंट्रीज क्या है वो आपको दिख रही होगी। स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्ट है, नेम क्या है, एलन मस्क एंड देन नेम, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा होगा, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ पर स्टूडेंट दिया है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट का नाम जो है स्टूडेंट दिया, तो उस स्टूडेंट का हमने नेम और एज डाल दिया हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि ये जो है ये की है और ये वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगा की क्या है, वैल्यू क्या है, तो पता ही होगा। जो इस पूरी चीज़ को कहते हैं प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो। एंड देन ये हम कहाँ से सेट कर रहे हैं, मैप के अंदर सेट कर रहे हैं, हमारे मैप के अंदर एक एंट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझी होगी मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं समझी तो आप थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो, ओके। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं था। सो अभी हम एक ऑब्जेक्ट आगे जाके और भी क्रिएट करेंगे, आई मीन मतलब हम, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम एक्सेस करने का कैसा, ये सब चीज़ हम देखेंगे, एक चीज़ को पर्टिकुलरली हम एक्सेस कैसे करेंगे वो चीज़ अभी हम देखेंगे। हम तो फिलहाल डायरेक्ट हम मैप को कॉल करके यहाँ पर हमने आउटपुट देखा कि साइज एंट्री, ये सब चीज़ हमने देखा। तो अभी फ़िलहाल हम उसके अंदर मैप डॉट गेट मेथड हम यूज़ करेंगे, सेट आ गया वापस, गेट यूज़ करेंगे, और फिर उसके अंदर हम पुट करेंगे हमारा जो स्टूडेंट, हमने जो नाम दिया है हमारे ऑब्जेक्ट का वो पुट करेंगे, ठीक है। एंड देन मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिलहाल इसके पहले क्या दिख रहा था, पूरा एंट्रीज, पूरा मतलब पूरे डिटेल में दिख रहा था सब कुछ, बराबर साइज वन एंट्री सब कुछ दिख रहा था। अभी फ़िलहाल हम कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैप डॉट गेट हमने यूज़ किया, तो हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखा जो हमारे मैप के अंदर है, जो एंट्रीज है उसको हमने पर्टिकुलरली यहाँ पर कॉल किया, ठीक है, और वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, हम देखेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी कैसे ये करना है आपको ये चीज़ तो समझा, अभी पर्टिकुलरली एक चीज़ को कैसे एक्सेस करके हमें देखना है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ें रिमूव करने का परफॉर्मेंस करेंगे, ओके। आई मीन रिमूव करने का कीवर्ड परफॉर्म करके देखेंगे क्या होता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मैप वन डॉट सेट जो है, विद डिलीट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं डिलीट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ को डिलीट करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम दिया हूँ, एज दिया हूँ, रोल नंबर नहीं दिया हूँ, बराबर। रोल नंबर मैं डालता हूँ मैप डॉट गेट, एंड देन मैंने पुट कर दिया, और फिर सिर्फ यहाँ पर मैं मैप वन डालता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो हो गई, ओके। ये देखो यहाँ पर मैप वन डॉट हमने डिलीट यूज़ किया, एंड देन बट यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा होगा। ये देखो साइज वन एंट्रीज, मैप वन प्रोटोटाइप, ये तो पूरी प्रोटोटाइप है, बट हमने यहाँ पर देखो रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। तो पूरा पर्टिकुलर पूरा रोल नंबर हम डालेंगे, ठीक है। तो मैप वन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिलीट कर रहे इस चीज़ को, रोल नंबर को यहाँ पर हम डिलीट कर रहे, और फिर कंसोल डॉट लॉक कर रहे। बट यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, वैसे भी यहाँ पर ये पर्टिकुलरली आप देखोगे तो यहाँ पर बुलियन टाइप है फिलहाल, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं है, मतलब ये हमारे जो हमारा जो मैप के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, रोल नंबर नहीं है, बराबर। तो वो तो फॉल्स हो गया, बराबर। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मतलब आप जैसा भी ये करोगे तो ऑलरेडी फॉल्स है, तो वो तो परफॉर्म करे या ना करे आपको तो समझ ही आ रहा होगा, ठीक है। तो हम एक और चीज़ करेंगे, अभी नेम को मैं रिमूव करता हूँ, एंड देन देखेंगे यहाँ पर, बट स्टिल हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करके हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
ये देखो डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ समझा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सबसे पहले मैं रोल नंबर ट्राई किया था जो कि फॉल्स है ऑलरेडी, वो तो की थी ही नहीं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, बट हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट करने की कोशिश की। तो मतलब आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, पर्टिकुलर अंदर की के ये तो पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया बराबर। मैप के अंदर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो बराबर। तो मतलब मैप के अंदर क्या हो रहा है, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया मतलब डिलीट किया पूरी तरह से, मैप वन डॉट कीवर्ड हमने यूज़ करे, डिलीट कीवर्ड हमने यूज़ करके सीधा ऑब्जेक्ट को ही हमने यहाँ पर डिलीट किया, पर्टिकुलरली की को या फिर हमारा जो वैल्यू जो है उस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, बट एक और कीवर्ड है, मतलब डिलीट नहीं कर पाओगे लेकिन एक और कीवर्ड है मैं आपको बताऊँगा। ये देखो अभी फ़िलहाल आपने पूरा ऑब्जेक्ट को क्रिएट डिलीट करने का तो आपने देखा होगा, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैप ऑन डॉट क्लियर, क्लियर से क्या होगा, इससे आपकी पूरी मैप में जो है मतलब डिलीट या क्लियर दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, सारे मतलब जो भी जितनी भी कीज़ है वैल्यूज़ है सब कुछ रिमूव हो गई है। ओके तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा। सो अभी हम यहाँ पर इसको कमेंट इन कर देते हैं, इसको कमेंट इन कर देते हैं और इसको रहन देते हैं, और मैप वन की हम साइज़ चेक करेंगे, साइज़ क्या है, ठीक है, साइज़ क्या वन है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, तो पूरा ये पूरा जो है एक ही ऑब्जेक्ट है बराबर, तो वन ही बताएगा ऑब्वियसली। सो अभी हम एक और चीज़ करेंगे, ठीक है, लेट कीवर्ड यूज़ करता हूँ एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, की कॉमा वैल्यू। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझेगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैप वन। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मतलब मैं फॉर लूप यहाँ पर बाहर से भी तो कंसोल को हटा दूँ, ठीक है, फॉर लूप लगा के हमारे जो मैप के अंदर का ऑब्जेक्ट है उसको आइट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो कि कंसोल डॉट लॉग एंड देन की प्लस डायरेक्ट दे देंगे सिंगल कोट, ठीक है, थोड़ा सा गैप फिर स्पेस देंगे, ठीक है, अब सही है। और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगा कि ये इसकी वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने आइट्रेट किया है की एंड वैल्यू मैप वन ये पूरी चीज़ को, बट यहाँ पर स्टूडेंट आई है और फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आई है, ठीक है, बट यहाँ पर हम कुछ चीज़ें चेंज भी करनी है। ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट दे देंगे, ठीक है, आप जब आइट्रेट करोगे इस चीज़ का आप ध्यान रखना गाइस, ये देखो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आप अगर यहाँ पर नेम दोगे तो ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, नेम देंगे, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा आपका इस तरह का विजुअलाइजेशन रहेगा, तब जाकर आपको यहाँ पर आइट्रेट हो पाएगा ये चीज़ आपको यहाँ पर। ये देखो अब आया नेम एलोन मस्क, ठीक है, तो यहाँ पर हम और भी कुछ चीज़ें करके देखेंगे, एज मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर में डाल देता हूँ 99 एंड देन यहाँ पर मैं एज दे देता हूँ 27, ठीक है। तो आपको ऐसा विजुअलाइजेशन बनाना पड़ेगा आपके मैप के अंदर, आप पर्टिकुलर की और ऑब्जेक्ट को ही की और वैल्यूज़ को ही पुट कर रहे हो एंड देन उस की और वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, आइट्रेट कर रहे हो। मैं यहाँ पर क्या किया हूँ ये चीज़ आपको समझा होगा, लेट कीवर्ड से हमने यहाँ पर की और वैल्यू को हमने ये फॉर ईच लूप लगाया, एक तो हमने ये चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा, ठीक है, आई मीन फॉर ऑफ लूप लगाया हमने, ठीक है, और ये फॉर ऑफ लूप हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ES6 का ही वर्जन का ही पार्ट है कि ये चीज़ हमने देखा है यहाँ पर। और हमने यहाँ पर क्या किए, हमने मैप के अंदर कुछ चीज़ें पुट किए, कुछ एलिमेंट पुट किए, उसको हमने आइट्रेट करके यहाँ पर देखा, ठीक है, तो थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, ओके, तो अब सही दिखेगा। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर ये चीज़ को ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपको वीक मैप बताता हूँ, वीक मैप क्या होता है, मतलब वीक मैप में क्या होता है कि ना, मतलब एक ही चीज़, मतलब आप सिमिलर
मैप की ऐसा ही सिमिलर है, बट आप एक ही ऑब्जेक्ट के की ही आप पुट कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखो, हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा था, काम करता हूँ इसको पूरा कमेंट इन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लेट कीवर्ड से एक पूरा न्यू हम क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस देते हैं हम, ये बात आपको पता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एंड देन यहाँ पर वीक मैप का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसमें सेट करेंगे टू स्ट्रिंग नहीं सेट करेंगे, सेट आई नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट टाइप कर देते, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप अपना कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, मतलब की आपका जो ऑब्जेक्ट का जो है, मतलब आप ये देखो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गई आपके वीक मैप के अंदर, वो कीज़ हो गई, और उस की की वैल्यू जो यहाँ पर आप पुट करोगे वो आपको की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा कि मतलब वीक मैप क्या होता है, ठीक है, मतलब यही डिफरेंट है, बाकी हम मैप में तो आप ऑलराउंडर है, उसमें आप कोई भी चीज़ वैल्यू सेट फॉर ईच फॉर ऑफ लूप, आई मीन बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं एक मैप के अंदर, मतलब कितनी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ को गेट करना है क्या करना है सब कुछ हम चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स है, बट मैंने इंपॉर्टेंट जो मोस्टली यूज़ होता है वो चीज़ मैंने बताया, मैप क्या होता है मुद्दे की बात जो है वो मैंने बताया, ठीक है। तो अभी हम वीक मैप की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपको आपका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पर लेट कीवर्ड से, उस ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी जो है की बन जाएगी, और यहाँ पर जो है वो वैल्यू बन जाएगी, की के तरह आप यूज़ करोगे एंड देन यहाँ पर आप वैल्यू यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, एंड देन उस वीक मैप को यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर वीक मैप कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें एरर बता रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है गाइस। सो एक काम करते हैं, हम स्मॉल में कीवर्ड यूज़, बट नॉर्मली हमने वीक मैप यहाँ पर पुट किया, हमने एक गलती की है, हमने मैप जब क्रिएट किया था तब आपको यहाँ पर हमने मैप को क्रिएट किया था सबसे पहले, मतलब मैप जो बनाया था हमने, वीक मैप नहीं मैप की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तब हमने यहाँ पर सबसे पहले मैप बनाया था, याद होगा आपको यहाँ पर, बट हमने यहाँ पर क्या किया, एक मैप हमने क्रिएट ही नहीं किया, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट का कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, फिर ऑब्जेक्ट को हम उसमें पुट कर लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझा होगा, हमने कैप्स वाला वीक मैप बराबर दिए थे कैपिटल में W, तो यहाँ पर हमें भी तो देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू वीक मैप, ठीक है, अब सही है, एंड देन हमने यहाँ पर वीक मैप सेम कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया है, इसको स्मॉल कर लेते, कंफ्यूज हो रहा है हमारा कंसोल भी, ठीक है। ये देखो अब आया हमारा आउटपुट, ये देखो मैंने यहाँ पर कैपिटल में दे दिया था, तो मतलब वीक मैप जो हमारा कीवर्ड है वही सेम ऑब्जेक्ट का नाम तो नहीं होना चाहिए, हमारे मैप का नाम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर ये वाली जो हमने यहाँ पर मैप क्रिएट किए और उसका नाम दिया वीक मैप स्मॉल वाला, इसको है ना मैं क्या करता हूँ वीक बना देता हूँ, वीक वन, क्योंकि मैप वन के लिए भी हमने मैप के लिए भी हमने मैप वन दिया था, तो अभी मैं यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं वीक वन दे देता हूँ। ये देखो आप सही है, मैप के अंदर हमने क्या यूज़ किए, एक एंट्रीज है जिसके अंदर सिर्फ एक नाम है ऑब्जेक्ट जो कि एक कीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा कि हम यहाँ पर वीक मैप कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता होगा, बाकी तो आपका जो सेट क्लियर है डिलीट मेथड है वो आप वीक मैप पे भी यूज़ करके आप कर सकते हो, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर भी कुछ समझा नहीं या कुछ हुआ है या फिर आप ट्राई कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता होगा, इस जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को और फॉरवर्ड कर देना, कुछ आगे पीछे आप फॉरवर्ड करके भी देख लेना वीडियो में कुछ डाउट है तो। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।